बसपा महासचिव सतीश मिश्रा बोले, बीजेपी ने ब्राह्मणों से किया अन्याय। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सतीश मिश्रा ने दावा किया है कि 2007 की तरह 2022 में भी यूपी में एक बार फिर से बसपा की सरकार बनेगी। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा बकेवर के गेस्ट हाउस में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने प्रदेश की योगी सरकार पर कड़े प्रहार कर कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना होती है। भाजपा ने करोड़ों युवाओं को नौकरी देने की बजाय छीन ली है। सभी लोग एकजुट होकर मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों के लिए काला कानून लाकर किसानों को बर्बाद कर दिया है। हर साल 1 करोड़ों को रोजगार देने की बात करने वाली भाजपा सरकार ने करोड़ों लोगों के रोजगार छीन लिए हैं। बसपा नेता ने कहा कि आज प्रत्येक वर्ग इस भाजपा सरकार से परेशान है। उन्होंने कहा कि 5 साल में 10 करोड़ नौकरी का वादा करके नौजवानों से वोट ले लिया, लेकिन वह भी जुमला ही साबित हुआ। मिश्र ने कहा कि विकरू कांड के नाम पर निर्दोष ब्राह्मणों को अलग अलग स्थानों से उठाकर उनकी हत्या करवा दी गई। उन्होंने हिंदू संगठन के नेता कमलेश तिवारी के अलावा रायबरेली, गोरखपुर, लखनऊ में ब्राह्मणों की हत्या करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर खुशी दुबे का क्या दोष था? उसके हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी और उसे लखनऊ के इशारे पर जेल में डाल दिया। उसे पेरोल तक नहीं मिली, गलत रिपोर्ट लगाकर उसकी बेल खारिज करा दी गई। यही नहीं, लखनऊ में विनय तिवारी की गाड़ी रोककर अधिकारी ने सीने में गोली मार दी। मिर्जापुर में ब्राह्मण समाज के नाबालिग बच्चों को मार दिया गया। सीबीआई जांच भी नहीं कराई गई। देखिए, ब्राह्मण समाज हमारे साथ में पूरी तरह से सहायता था। 2007 में हमने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई थी। इस बीच में ब्राह्मण समाज को धोखे से, जिस तरीके से पहले तो उससे वोट लिया गया धर्म के नाम पे, राम के नाम पे, और फिर राम के ही नाम पे धोखा देने का काम, और ब्राह्मणों के साथ में जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है, मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, एक तरफा कोई उसमें कार्रवाई भी नहीं होती है, गोलियां मार दी जाती हैं, शूट आउट होता है, इनकाउंटर हो रहा है, इन सभी चीज़ों से ब्राह्मण समाज और दलित समाज दोनों के साथ में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो वो दोनों ही इतना चुप दें, दोनों एक साथ फिर से मिल करके भाईचारा बना करके और सर्व समाज को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का तय कर लिया है कि अब की बार 2022 में बहन मायावती जी की सरकार बना करके और पूर्ण बहुमत की सरकार ला करके यहाँ फिर कानून द्वारा कानून का रास्ता। अच्छा, जिस तरह हमारी पार्टी सर्व जन को लेकर चलती है, सर्व समाज को लेकर चलती है, हमारे पास सर्व समाज हमारे साथ में है, और जहाँ तक सवर्ण समाज है और प्रबुद्ध समाज की जो आप बात कर रहे हैं या और समाज की बात कर रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, उन्होंने बहन मायावती जी की सरकार को देखा है, उसके बाद समाजवादी पार्टी की देख ली, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की देख ली, और ये बुद्धिजीवी समाज है, वो अपना सब समझते हुए देख लिया कि सरकार अगर किसी की चलाना आता है तो बहन मायावती जी को आता है, सर्वजन को लेकर चलना आता है तो बहन मायावती जी को आता है, जहाँ कोई दंगा होता है, ना फसाद होता है, ना लूटमार होता है, ना चोरी डकैती इस तरह से हत्याएं होती हैं, इसलिए वो सब समाज हमारे साथ में है। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस पार्टी कहीं पर नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। हम इस समय उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की 2022 की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें इन सब मुद्दों का कोई मतलब नहीं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।